लोग नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपने वर्ल्ड का। नेक्स्ट टॉपिक इज शेयरिंग एंड बॉर्डर, शेयरिंग एंड बॉर्डर। पहले देखो बॉर्डर, बॉर्डर करना, बॉर्डर करना मतलब जैसे मान लीजिए इस पैराग्राफ, पहले एक चीज समझो, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे मोहित लिखा है, अब मैं मोहित के नीचे एक लाइन चाहता हूँ। कभी कभी होता है ना, जैसे रिज्यूमे लिखते हो आप, या ये रिज्यूमे लिखा होता है, ठीक है, और इसके नीचे मेरे को सेंटर में मैंने कर दिया, और इसके नीचे मुझे एक लाइन चाहिए, तो आप उस लाइन को कैसे ला सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे क्लिक करोगे आ जाएगी। समझा रहे हैं? आप इस रिज्यूमे वाले लाइन को छोटा करना चाहते हो तो आप यहां से पकड़ के छोटा कर सकते हो, दोनों तरफ से इक्वली छोटे हो जाएंगे। ये तो हुआ इसकी बात। अब आप चाहते हो यार पैराग्राफ, मतलब ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ मेरा बॉर्डर पे हो जाए, मतलब इसके ये अराउंड बॉर्डर आ जाए, तो आप यहां से बॉर्डर दे सकते हो। अगर आपको सिर्फ बॉटम लाइन बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर नहीं चाहिए, या सब जगह बॉर्डर चाहिए। अब दूसरा देखो, फिर मैंने यहां पे बॉर्डर दिया, अब क्या आया, लाइन ऑफ बॉर्डर। ऐसा क्यों हुआ? कभी मैं सेलेक्ट करूंगा, देखो मैंने सेलेक्ट करा तो क्या हुआ, पूरा बॉर्डर आया, ठीक है। और कभी मैं सेलेक्ट करके इसी चीज को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, इसी चीज को सेलेक्ट करूंगा तो मेरा बॉर्डर आएगा इस तरीके से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस शॉप की वजह से। लो भाई, हमारा पुलिस शॉप से रिलेशन तो यहाँ तक हो गया, पुलिस शॉप तक। अब करें जी भी लाइन आए, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो तुम पैराग्राफ को बताओगे वैसा ही, ठीक है, जैसा तुम बताओगे वैसा ही वो उसे रीड करेगा। अगर आप किसी चीज को सेलेक्ट सिलेक्शन जैसे करोगे, जब मैंने सेलेक्ट यहाँ पे किया था तो मैंने पूरा एंड तक सिलेक्शन किया, मतलब मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, लाइनों को सेलेक्ट नहीं करा। मेरा सिलेक्शन करने का मोटिव क्या था, पैराग्राफ को, और पैराग्राफ को सेलेक्ट किया तो जब मैं बॉर्डर दूंगा तो पैराग्राफ का बॉर्डर ही आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं लाइनों को सेलेक्ट करता हूँ, लाइनों मतलब शिफ्ट के साथ मैं पीछे गया तो यहां तक सेलेक्ट करता हूँ डॉट तक, तो ये लाइनों का बॉर्डर देगा, तो दिक्कत तो नहीं? इसके बाद अब बॉर्डर भी आपके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ये तो आपके बॉर्डर है ही। इसके अलावा अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आप इस पर क्लिक करो तो आपके पास यहाँ पे बॉर्डर आ जाएंगे। आपको आपको बॉक्स वाला बॉर्डर चाहिए, शेड वाला बॉर्डर चाहिए, तो आप इस तरीके से अलग से फॉर्मेट ले सकते हो। लेकिन आपने ये वाला बॉर्डर ले लिया, लेकिन आपको कलर फॉर्मेट में चाहिए तो कलर भी ले सकते हो, थिकनेस विथ वाइड विथ बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो, और भी कर सकते हो। अब आपने कहा यार इस बॉर्डर के अंदर मुझे शेड भी करना है, क्या करना है, तो शेडिंग आप यहां से कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये शेडिंग का पार्ट हुआ था, तो यहां से आप बॉर्डर और शेडिंग कर सकते। तो ये तो आपका पैराग्राफ, बॉर्डर और क्या शेडिंग के बाद। इसमें एक पार्ट और है कि अगर आपको पेज का बॉर्डर देना है, किसका, तो पेज का बॉर्डर कैसे देते हैं, देखो पेज का बॉर्डर कैसे दिया जाता है। आप पेज का बॉर्डर कैसे दोगे, उसके लिए आप यहाँ जाओगे, यहाँ पे जाके बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाओगे, उसके बाद यहाँ पे पेज बॉर्डर दिख रहा है, इस पे जाओगे, यहाँ पे भी वही बॉर्डर आ जाएगा। इस जगह पे पहुंचने के एक तो तरीका ये था, पेज बॉर्डर का अलग से एक ऑप्शन और दे रखा है जो कि आपका डिजाइन में मिलता है। किसमें मिलता है, क्योंकि वो डिजाइनिंग पार्ट से रिलेट करता है, तो इसलिए अलग से ऑप्शन भी दे रखा है। अगर इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाओगे, समझ वाली बात ही। देन उसके बाद अब आपको किस तरीके का बॉर्डर चाहिए वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, करेक्ट है ना, जैसा भी आपको बॉर्डर चाहिए। आपने मुझे ये बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे तो कोई आर्ट फॉर्म में चाहिए, तो आप आर्ट फॉर्म में भी बॉर्डर लगा, तो दिक्कत तो नहीं इसमें, आता है सबको लगाना, ये लगाया आपने जिंदगी में, अच्छा वेरी गुड। तो अब मुझे ये बताओ, मेरा क्वेश्चन ये है, तुम लोगों ने, अब मान लीजिए तुमने किसी को जाके बॉर्डर लगा दिया, अब उसने बोला मुझे पहले पेज पे बॉर्डर नहीं चाहिए, तो क्या करोगे, क्या करोगे, पहले पेज पे जाओगे, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाओगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दोगे, नन, ये तो करोगे, आए ना, और ओके कर दो, हट गया, बहुत बहुत बधाई हो।
और ये कट गया था, तो समस्या बन गई, नहीं बन गई। कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसका पहला पेज जो है आपकी, जैसे आपकी बुक है उसकी पहले पेज में तो बॉर्डर नहीं होगा ना, उसमें तो उसका नाम लिखा होगा, तो वो कैसे आप करोगे, कैसे करना चाहिए, सोचो बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद पेज बॉर्डर पे गया, यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है कुछ ऐसा जिससे मैं कुछ कर सकूँ? अप्लाई टू, अच्छा इस पे यहाँ पे करके क्या करूँ? ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, अब ढूंढ, सबने ढूंढ लिया, ठीक है, तो सब होशियार हो। अब मैं क्या करूँ यहाँ पर, नन कर दूँ, ये करूँ या क्या करना चाहिए? फिर क्या, अरे क्या करूँ, नहीं नहीं करना चाहिए, तो क्या करूँ फिर? तो अभी तो ये है, मुझे हटाना है ना, मुझे पहले पेज पे से हटाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये हटा दू, यहाँ नन कर दू, तो क्या कह रहे हो, सब चीजें ना कह रहे हो, है कुछ तो हाँ को है, ये करना ये सेलेक्ट करना है। अच्छा मैं इसको ऐसे रन दू, और इसको अनन से भी, यहां से भी बॉक्स में हो चुका है, अब इसे ओके कर दू, क्या हुआ इससे? है है हो गया, बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं पहले पेज पे चाहता हूं, बाकी किसी पे नहीं चाहते हो, अब क्या करना चाहिए? फिर से जाना चाहिए इसी पे, अप्लाई टू फर्स्ट पेज ओनली। अरे वाह, मेरी क्या जरूरत है, ये तो तुम लोग सब अपना आप ढूंढ सकते हो, क्यों नहीं ढूंढ सकते हो, बहुत बढ़िया। अब आप सब पे लगाना हो तो होल डॉक्यूमेंट, बहुत बढ़िया, सब पे लग गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, अभी पिक्चर शुरू हुई है, तो आप बताओ मुझे सेकंड पेज पे डिफरेंट चाहिए, कौन सा चाहिए? सेकंड पेज पे मुझे अलग चाहिए, मुझे पेज बॉर्डर अलग बदलना है सेकंड पेज पे, और सेकंड पेज पे सिर्फ कुछ और चाहिए, बाकी सब में सेम होना चाहिए, अब क्या करूं? अब हाँ फिर से जाऊंगा मैं, लोग जो फिर से गए अप्लाई टू में जाएंगे, बिल्कुल सही बात है आपकी, दिस सेक्शन, अब क्या करूं, यहाँ पे नन कर दू या कोई और कर देता हूँ, जैसे मुझे ये चाहिए है ना, ये करके ओके कर दू। अरे वाह, अरे 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 अरे, तो इसका मतलब है कि अब हमारी जो फीस होगी वो वसूल होगी, है ना, जो हमने फीस दी है वो वसूल होने का वक्त आ गया, समझा? तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये समस्या बड़ी दिक्कत आ गई, कि भैया सब में तो हो रहा है लेकिन अब इसमें क्यों नहीं हो रहा है, तो समझो हमारा जो डॉक्यूमेंट है कितने पेज का है, 6 पेज का है, 6 पेज का है, लेकिन ये एक ही सेक्शन है, इससे एक ही सेक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक ही सेक्शन बोलेंगे, 6 पेज का एक सेक्शन है, जो मैं फॉर्मेटिंग इसमें करूंगा वो बाकी में भी असर करेगी, करेक्ट है ना? मैं चाहता हूं कि जो असर मैं इस पे करूं वो मेरे पीछे वाले पेज पे ना करें, तो यहां पर मुझे ना सेक्शन ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, यहां पर सेक्शन तोड़ना पड़ेगा। तो सेक्शन तोड़ा कैसे जाता है? कर्सर आप स्टार्टिंग में रखोगे पेज के, क्योंकि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही तोड़ना है, तो स्टार्टिंग में रखोगे और यहाँ पे जाकर के ब्रेक पे जाओगे और यहाँ पे दबाओगे कंटीन्यूअस ब्रेक, याद है ना, सेक्शन ब्रेक, ये कंटीन्यूअस ब्रेक लिखा है, इसका मतलब है जिस जगह पे कर्सर रखा हुआ है उसी जगह पे सेक्शन ब्रेक लग जाएगा और नया सेक्शन भी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे सेक्शन ब्रेक लग चुका है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना, तो अगर आपको देखना है तो लेंस लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तो लगा दे लेंस, ये लेंस लग चुका है और ये आपको दिखाएगा कि आखिर ब्रेक लग चुका है, तो आपको ड्राफ्ट व्यू में जाके देखना है, क्लियर है? प्रिंट लेआउट व्यू में जाते हैं फिर से आगे वापस, तो आप सेक्शन ब्रेक लग चुका है, सेकंड पेज पे सेक्शन ब्रेक लग चुका है कि नहीं लग चुका है? तो मैंने कर्सर अब यहाँ पे रखा, अब मेरे पेज में 2 सेक्शन बन चुका है, एक तो फर्स्ट पेज का है और एक सेकंड से लेकर के 6th तक, तो मैंने सेकंड पेज पे कर्सर रखा और फिर कहाँ गया मैं, पेज बॉर्डर पे, और यहाँ पे जा करके मैंने अब की बार चेंज करा और जो तुमने मुझे बोला था उसी आज्ञा का मैंने पालन करते हुए दिस सेक्शन कर दिया, करेक्ट है ना, और मैंने ओके करा,
जैसे मैंने इसे ओके करा और मैंने पीछे जाके देखा तो पीछे कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि तो इस सेक्शन में क्या लगेगा, तो इसके आगे वालों में सब जगह पे ये लगा हुआ होगा। अब मुझे थर्ड पेज पे तो एप्पल ही चाहिए, थर्ड पेज पे क्या चाहिए, तो सेकंड थर्ड पेज पे मुझे फिर क्या करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, तुम तो सब होशियार हो, ठीक है ना। ब्रेक पे गया और कॉन्टिन्यूस ब्रेक लगाया, कॉन्टिन्यूस ब्रेक लगाया यहाँ पर, यहाँ पे फिर अब मेरे पेज में कितने सेक्शन हो चुके हैं, तीन। जो थर्ड सेक्शन मेरा स्टार्ट हो रहा है, थर्ड पेज से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने उसी जगह पे कर्सर रखा और फिर मैं डिजाइन में गया और फिर मैं बॉर्डर पे गया और मैंने बोला कि भाई एप्पल लगा दो जिस जगह पे मेरा कर्सर है उस सेक्शन पे, तो थर्ड सेक्शन पे ही तो है, तो इसलिए मैंने बोला दिस सेक्शन, आए ना, और मैंने ओके करा, तो इसने मेरा काम कर दिया। आया समझ में ये बात, बढ़िया समझ में आ गई बात। तो इसके बाद की जो लेक्चर होगा, अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट वाली कहानी जो मैं बताने जाऊंगा बताऊंगा आपको, तो जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है, इतने करते हैं।